हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 2 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 1 और 2 जुलाई दोनों की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है आज वो आई है ओपेक के बारे में। तो क्या न्यूज़ है, क्या थोड़ा कंटेक्स्ट है वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि आपको ध्यान होगा हमने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि रशिया के ऊपर आरोप लगे थे कि भाई उन्होंने एक दो डिटेक्टिव थे रशिया के जिनकी एक्चुअली उन्होंने खुद ने ही केमिकल वेपन्स की हेल्प से हत्या वगैरह कर दी थी। ये आर्टिकल आया था अप्रोक्सीमेट प्री के एग्जाम के 3 महीने के आसपास पहले आया था उस टाइम पे। तो अगर आपको याद है नहीं तो बता दूं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था ओपेक, क्योंकि ओपेक है वो केमिकल वेपन के लिए बेसिकली काम करता है, ये सारा सीन वहाँ पे था। तो अभी ओपेक और केमिकल जो आप बोलते हो रशिया इन दोनों के बीच में थोड़ा इश्यू चल रहा है, उस बात को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है हुआ है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ओपेक के बारे में जानना कि ओपेक है क्या। ओपेक है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि केमिकल वेपन है उनको प्रोहिबिटेड करने के लिए, मतलब उनको बैन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है ओपेक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ उसके साथ साथ, 1997 में क्या हुआ था, एक केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी कि भाई कोई भी कंट्री है ना वो केमिकल वेपन का यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि केमिकल वेपन होते हैं तो काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनका वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यूज़ किया गया था, तो बहुत बड़े लेवल पे जान मार की हानि है वो होती है इससे और काफ़ी लंबे इफेक्ट है वो पड़ते हैं। तो इसीलिए केमिकल वेपन कन्वेंशन की गई थी कि भाई कोई भी कंट्री है ना वो केमिकल वेपन जैसी चीज़ें ना बनाए, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा नुकसान वगैरह होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही फिर ये ओपेक है जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाया गया था ताकि इस जो इसी कौन एक आप बोल सकते हो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन थी इसको और ज़्यादा ढंग से सक्सेसफुल है वो किया जा सके। इसके साथ ही अहम बात यह है कि ओपेक को 2013 में नोबेल पीस प्राइज है वो भी दिया गया है, क्योंकि उन्होंने केमिकल वेपन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप उठाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे बन जाता है। अब बात करते हैं कि ओपेक काम क्या करता है। ओपेक का मेन काम तो ये कि जो भी केमिकल वेपन हो गए जैसे कि कोई भी गैस वगैरह ऐसी रिलीज की जा रही है कि उससे लोगों की जाने जा रही हैं, तो वो सारे वेपन केमिकल वेपन में आ जाएंगे, उनको ख़त्म करना। इसके साथ ही आप बोल सकते हो कि जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसको एक तरीके से कंट्रोल करना ताकि उसका कहीं मिसयूज वगैरह ना हो जाए, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती है। अगला पॉइंट इसका आता है कि जो स्टेट पार्टी होते हैं वो केमिकल जो खतरे होते हैं रसायन वगैरह से उन सबसे निपटने के लिए बेसिकली इसका काम होता है। इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड को तरीके से स्ट्रेंथ करती है ताकि कहीं भी जो केमिकल है उसका ढंग से यूज हो सके, ऐसा नहीं हो कि उसका दुर्गामी या नुकसान के सेक्टर में उसका यूज़ है वो, तो मतलब एक तरीके से बम वगैरह बनाने में केमिकल का यूज़ ना हो, तो उसके लिए बेसिकली काम है ये करती है। तो यह आपको ध्यान रखना है नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज आई है वो आई है रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखो आपको बताऊं गवर्नमेंट ने नीति आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया था, 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे आप बोल सकते हो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए एक प्रोग्राम ये स्टार्ट है बेसिकली किया गया था, और उसी प्रोग्राम की दिशा में कदम है वो यहाँ पे अभी उठाया गया है। अब क्या वो प्रोग्राम था पहले तो हम वो देख लेते हैं। 115 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि हमारे देश के जो 115 काफ़ी पिछड़े हुए जिले हैं ना उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई ये 115 जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इनकी हमें हालत सुधारनी है। तो पहले उन 115 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था, हर स्टेट से एक एटलीस्ट एक तो उसमें था ही था, इसके बाद बाकी और भी उसमें इंक्लूड थे। और उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी 6 पैरामीटर थे मेनली, कौन कौन से 6 पैरामीटर थे, हेल्थ था, एजुकेशन था, एग्रीकल्चर था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था, इसके साथ ही आप बोल सकते हो स्किल डेवलपमेंट था, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए घर वगैरह ये सब। और देखा जाए तो 49 इंडिकेटर वगैरह थे, इन सब पैरामीटर के आधार पर उस जिले का डेवलपमेंट है वो करना था। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारा काम कर लिया। अब देखो भाई गवर्नमेंट ये कर तो रही है बट गवर्नमेंट को इसको टाइम टू टाइम चेक तो करना पड़ेगा ना कि काम कितना हुआ। तो इसके लिए ही नीति आयोग ने एक रैंकिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया कि हम हर महीने या जल्दी से जल्दी हम रैंकिंग तैयार करेंगे कि हाँ भी इस महीने है इस जिले ने काफ़ी अच्छा काम किया इस दिशा में और इस महीने इस जिले ने अच्छा काम किया। तो इससे होगा क्या, जो भी बैकवर्ड जिले ना 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा कि यार नहीं नहीं पिछली बार ये जिला आगे गया इस बार मैं आगे जाऊँगा इस बार मैं अच्छा काम करता हूँ ऐसे, तो कॉम्पिटिशन बूस्ट हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट का या बोल सकते हो कि नीति आयोग का जो प्लान है कि इन जिलों को डेवलप जाए वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और इसीलिए नीति आयोग ने भी रैंकिंग है वो जारी की है 115 जिलों की। इसमें बेसिकली जो प्रावधान था वो था 2022 तक हमें एट एनी कॉस्ट इन जिलों को डेवलप है एकदम बढ़िया है वो बनाना है। तो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने मार्च 2018 से मई 2018 तक का डाटा वो रिलीज किया है, और उसमें गुजरात का एक जिला है दाहोद उसको टॉप स्थान पर रखा गया क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम है वो किया है। तो ये न्यूज़ थी, कौन टॉप वगैरह वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको प्रोग्राम वगैरह मैंने बता दिया। ये ध्यान रखना 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है इसमें एटलीस्ट हर जिले का एक हर स्टेट का एक जिला तो इंक्लूड है ही है, ये इसमें बेसिक फीचर्स हैं।
अगली जो न्यूज आई है वो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, PMSMA के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है IP Leg 49। ये आपको ध्यान रखना है, IP Leg 49 अवार्ड है, अचीवर्स अवार्ड है। ये एक्चुअली किसी टीम को दिया जा सकता है या फिर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है या फिर किसी और ग्रुप को जिसने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन निभाया है, किसके लिए, सेफ मदरहुड के लिए। तो इसके लिए बेसिकली है अवार्ड है वो दिया जाता है, और अभी इसीलिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो न्यूज़ में आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये IP Leg 49 प्रोग्राम है किस रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ये सेफ मदरहुड को प्रमोट करने के लिए जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कोई डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर आप कोई पर्सन भी हो सकते हैं या फिर कोई और ग्रुप वगैरह एनजीओ कुछ भी हो सकते हैं, उनको ये अवार्ड है वो दिया जाता है। अब बात करें हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, तो यह आपको बता दूं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इनिशिएटिव हो जाता है यहाँ पे। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगी। इसके बाद में अगला फीचर ये आता है कि भाई किस किस लिए काम करता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे रखना है। इसका एम देखो मेनली ये रखा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी, जो आप बोल सकते हो कि एंटीनेटल जो केयर होती है, मतलब जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बेबी होने से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एंटीनेटल टाइम, तो एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड करना। इसके साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो भी कंसल्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकें, ताकि जो जच्चा और बच्चा दोनों है उसको सिक्योर किया जा सके। और इसीलिए हर महीने की 9 तारीख को गवर्नमेंट इसके लिए प्रोग्राम वगैरह कैंपेन स्टार्ट करती है और वहाँ पे फ्री चेकअप वगैरह हॉस्पिटल्स में अरेंज है वो किए जाते हैं। तो ये इसका बेसिक फीचर्स है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन मोटो ये फोकस किया गया है कि देखो हम जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको बहुत कम करना है गवर्नमेंट को, और इसलिए गवर्नमेंट लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी आपको बता दूँ मोटा मोटा आइडिया कि 1990 के टाइम पर जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट थी हमारी, उसके कंपेरिजन में आज 2015 में हमारी 70% कम हो गई और अभी भी हमें 20% के आसपास और कम करनी है। मतलब गवर्नमेंट कदम बहुत अच्छे उठा रही है। तो ये थोड़ा सा डाटा भी आप कहीं आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है वो भी रिसेंटली 1990 की कंपैरिजन में 70% कम हो गया है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है री यूनिटी के बारे में। री यूनिटी है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इंडियन रेलवे द्वारा एक तरह से लॉन्च है वो किया गया है। अब इसे बचाए बनाया किसने वो देखते हैं। डेवलप किया गया है बचपन बचाओ मूवमेंट केम्पी जमीनी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। बचपन बचाओ मूवमेंट है, इसके साथ ही केम्पी जमीनी इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। बाकी सारे काम है, मॉनिटरिंग वगैरह सारे काम वो किए जाएंगे यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा। काम क्या होगा इसका, इसका काम ये होगा कि जो भी बच्चे हैं मिस हो जाते हैं, देखो कई बार ट्रेन वगैरह में या फिर इधर उधर कहीं भी, तो उन मिसिंग बच्चों को ढूंढने के लिए या उनको सही घर तक पहुंचाने के लिए इस एप्लीकेशन की हेल्प वो ली जाएगी। तो बच्चों को ट्रेक किया जाएगा, उनको ट्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही अहम बात यह आती है कि इसमें किस मेथड यूज होगी। देखो इसमें एप्लीकेशन में होगा क्या, या तो इसे मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पे जो भी बच्चा बच्चा खो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट कर सकते हो, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसकी हेल्प से, या फिर और भी जो काफ़ी सारे इसमें डाटा होते हैं तो उनकी हेल्प से जो पर्सन होता है, जो बच्चा खो गया होता है उसको वहाँ पे ढूंढा जाता है और उसके बाद उसके एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह को ट्रेस किया जाता है। ये इसके बेसिक फीचर है इस एप्लीकेशन के, ये आपको ध्यान रखना है किसने बनाया है, किसने डेवलप वगैरह किया है। अब हम बात करते हैं बचपन बचाओ मूवमेंट की। देखो बचपन बचाओ मूवमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का लार्जेस्ट मूवमेंट है। सबसे पहली बात तो है टू प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा कैंपेन है इंडिया का देखा जाए तो ये। इसके बाद में बात ये आती है कि यह जो इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ना, उनके साथ मिलकर भी काम करता है। ऐसा नहीं कि केवल अकेला खुद काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर हेल्प काम है वो करता है। इसका फंड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, इसका जो फंड है वो मिलता है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा फंड है वो दिया जाता है, जो कि एक नोबेल विजेता है और ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है, तो उनके द्वारा इसको फंड है वो दिया जाता है। इसके साथ अहम बात ये बताऊँ कि चाइल्ड राइट के लिए इस ग्रुप ने, या बोल सकते हो कि इस मूवमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे देश में, काफ़ी अहम भूमिका उनकी रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बचपन बचाओ मूवमेंट है वो क्या है। बचपन बचाओ मूवमेंट का मतलब यह है कि छोटे बच्चे हैं उनका जो बचपन है, लाइवहुड है, उसको हमें बचाना है। ऐसा नहीं कि वो कहीं जेल वगैरह में इधर उधर अपनी लाइफ वेस्ट है वो कर दें। अगली जो न्यूज़ आई है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वह है मिशन शौर्या के बारे में। मिशन शौर्या है वो एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, पहली बात तो ये है, बट कई बार जो आपको पता है UPSC स्टेट स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं वो भी पूछ लेती है। तो महाराष्ट्र का आदिवासी विकास विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा अभी ये प्रावधान किया गया था कि 10 बच्चे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था ट्राइबल एरिया से, और इन 10 ट्राइबल बच्चे थे इनको एक्चुअली एवरेस्ट फतह करने के लिए भेजा था और इन्होंने एवरेस्ट फतह किया, तो इसलिए मिशन शौर्य चलाया गया था। मतलब माउंट एवरेस्ट को फतह करना था ट्राइबल स्टूडेंट के द्वारा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से स्टार्ट है वो किया गया था। तो आप बोल सकते हो कि ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्टेट ट्राइबल डिपार्टमेंट प्लस चंद्रपुर कलेक्ट्रेट का,
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, जो आपको ध्यान रखना कि मिशन सूर्या ट्राइबल स्टूडेंट ने एवरेस्ट फतह करने के लिए चला गया था महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है IOM, इसका अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और इसमें डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट में जो भी इलेक्ट हुए हैं वो एक्चुअली पूर्तकाल की तरफ से इलेक्ट हुए हैं। तो कंटेक्स्ट था ये, तो हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है भाई कौन इस बार इलेक्ट हो वगैरह, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। यह है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखनी है। IOM है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में बनाया गया था। क्यों बनाया क्यों गया था वो हम देखते हैं। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे आप काफ़ी जान माल की हानि हुई थी, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों के घर वगैरह तबाह हो गए थे, तो ना उनके पास रहने के लिए था और एक तरह से ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस आ गए थे, माइग्रेशन की समस्या बढ़ गई थी। तो मतलब दो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों को सेटल करने के लिए, उनको ह्यूमनिटेरियन सपोर्ट देने के लिए, इन सब कामों के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोगों को रिसेटल करने के लिए बनाया गया था इसका, तो ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस। इसके साथ ही आप बोल सकते हो कि जो रिफ्यूजी वगैरह होते हैं उनको भी सपोर्ट इसके द्वारा किया है हो जाता है। तो ये इसका कुछ बेसिक चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम देख लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ओपेक के बारे में डिस्कस किया कि ओपेक को रिसेंट नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया, इसके फीचर्स हमने देखे। इसके साथ ही हमने 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में जाना, रैंकिंग के बारे में जाना। बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये क्या क्या इसके फीचर्स हैं। री यूनिट एप्लीकेशन के बारे में जाना जिसको कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन है उसकी हेल्प से बनाया गया था। इसके बाद हमने सोडियम मिशन के बारे में जाना और लास्ट में हमने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों को सेटलमेंट करने के लिए लाया गया था, क्या कहते हैं ह्यूमनिटेरियन सपोर्ट दिया गया था वगैरह को, ये सारे इसके फीचर्स थे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।